नमस्कार भैया बहनी, प्रपंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा से है, जहां पीडब्ल्यूडी इंजीनियर एसपी सिंह नगर निगम के नाली में अवैध कब्जा कई के नाली का बंद कई दिन। ये पूरा नजारा वार्ड नंबर 13 गल्ला मंडी आदर्श नगर नई बस्ती के आए, जहां शंकरलाल विश्वकर्मा आरोप लगाए कि एसपी सिंह अवैध तरीका से नाली के ऊपर निर्माण कराए थे, जोने के कारण नाली बंद हो चुकी है। अब नाली से गंदगी रोड में बहा थी, जोने के कारण उनका और मोहल्ला के रहने वाले लोगों के जीना मुहाल भाव है। हाँ, कैसी समस्या हो रही है आपको? समस्या ये है कि ये जो नाली है, नाली की जमीन में बना दिए एसपी सिंह, ये सब इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी में, सर नाली दोनों घर हैं इनके सामने में, तो ये नाली वाले जगह में तो घर बना लिए। अब ये पानी जबरदस्ती का, जबकि स्वच्छता अभियान के अंदर आप देखेंगे कहीं पानी बहाने का अथराइज कोई नहीं है, लेकिन एक तो रोड जो गई है उसमें ये चेंबर बना दिया, नाली जो सरकारी नाली है नगर निगम की उसको इनने भाट दिया, पूरी तरह से पैक कर दिया। हमने कई बार सीएम हेल्पलाइन में दिया, तो ये अधिकारी आते हैं, लेकिन इनकी पत्नी जो है वो घुस जाते हैं अंदर, निकलते नहीं हैं। इनकी जब पत्नी आती हैं, इनका एक लड़का है, उसका नाम सुमित का है, सब इतना अंकित, दोनों खड़े हो जाएंगे, बताइए जेसीबी मशीन के सामने खड़े नाली साफ ना होने देंगे। और नाली को भाटना मैं समझता हूँ किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बुलेटिन की अगली खबर जवा थाना क्षेत्र से है, जहाँ के जय दादू आश्रम में उस समय सनसनी फैल गए जब स्थानीय लोग आश्रम में रहे वाले वृद्ध का लहूलुहान अवस्था में दिखी। घटना की जानकारी जंगल में लगी आगे के नाई फैली, तो प्रशासन का जानकारी मिली, जोने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंच के मौका मुआयना करी, साथ है एफएसएल की टीम जांच पड़ताल करी। निभा बतावा जा रहा है कि मृतक त्रिभुवन प्रसाद केवट रतनी गांव के रहने वाले आए, जो उनके पिछले 5 साल से भक्ता टोला जवाब में स्थित जय दादू आश्रम में रहते रहे। प्रथम दृष्टि में ही यह मामला कोनो असामाजिक तत्व के द्वारा वृद्ध का मौत के घाट उतारा माना जा रहा है। आश्रम में कोनो विशेष धन दौलत नहीं रही है, ऐसे लूट के इरादे से हत्या नहीं मानी जा रहा गया। आइए सुनाई थे पूरी घटना के संबंध में थाना प्रभारी का बताई। इनका नाम है त्रिभुवन प्रसाद। त्रिभुवन प्रसाद जी, त्रिभुवन प्रसाद केवट जी हैं ये? जी। कहाँ के रहने वाले थे ये? रहने वाले तो रतनी गांव है, थाना जबे क्षेत्र में। जी, प्रथम दृष्टया क्या माना जाए सर हत्या का? प्रथम दृष्टया तो ये कोई मतलब ऐसे असामाजिक तत्व जैसे हो सकते हैं, शराबी वगैरह हो गए, गंजेड़ी हो गए, है ना? हाँ, बैठे हो, गांजा उंजा पिए हो। हाँ, इस तरह से मतलब एक ऐसा जो प्रथम दृष्टया अपने को लग रहा है जी, कि इन्हीं का कोई हुआ, बाकी तो कोई डिस्प्यूट था नहीं इनका। इनकी एज भी कम से कम 75-80 के समथिंग थी, 75 से तो कम न रही होगी। बुलेटिन की अगली खबर मऊगंज से है, जहां नगर से लेके गांव तक 73वां गणतंत्र दिवस बहुत है धूमधाम के साथ मनावागा। शासकीय और अशासकीय संस्थान में ध्वजारोहण और कोरोना गाइडलाइन के पालन कई के गरिमामय कार्यक्रम आयोजित की इनका। न्यायालय में ही अपर सत्र न्यायाधीश पंकज सिंह महेश्वरी ध्वजारोहण करी, ता संघ कार्यालय में अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ध्वजारोहण करी, जहां कई एक अधिवक्तागण मौजूद रहे। वहीं मऊगंज नगर परिषद में ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी मऊगंज महेश पटेल ध्वजारोहण करी और मुख्यमंत्री के संदेश के वाचन करी। हमारे आस पास के परिवार के लोगों को कोरोना टीका लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। बुलेटिन की अगली खबर रही, हनमना तहसील के मसूरिया टोल प्लाजा से लेके हनमना बाजार तक पीडब्ल्यूडी के सड़क माही पैचिंग के काम चल रहा है, जोने माही ग्रामीण पहले सही निर्माण होए के शिकायत करे रहे। एक बार ठेकेदार बताएं कि सड़क के पैचिंग काम खातिर करीब 19 लाख रुपया की लागत ही है, और इतनी कम कीमत का देख के कोनो मेर के टेंडर पास नहीं कीन का रहा। वो टेंडर डाले रहे कि अच्छा काम करवाओ, पर जोने हिसाब से महंगाई बढ़ा लाही हुए ओका देख के ए पैचिंग के काम में करीब 25 लाख रुपया के लागत आई, पर अब तक ए माँ केहू के नजर नहीं गए। वहाँ इस संबंध में ही जब ग्रामीणों से बात कीन गए तो बताएं कि पहले पैचिंग के काम सही नहीं चल रहा, पर जब विरोध कीन गा है तब से सड़क पर पैचिंग के काम निकाहा चल रहा है। कि जब इसका टेंडर हुआ तो मैं अकेले टेंडर डाला, जो इसका टेंडर का अमाउंट है 19,80,000 के लगभग में, तो मैंने इसमें अकेला टेंडर डाला। अब अकेला ही मैं डाल करके इसको काम को मैं कर रहा हूँ, और जहाँ जो गलतियाँ हो रही हैं उसको फिर से सुधार, अभी इंजीनियर साहब आए थे, फिर से मैं सुधार करूँगा, जहाँ जो डिस्टर्बेंस हैं उसको सुधार बराबर करूँगा। और ये जो यहाँ की स्थिति है, यहाँ की जो है, तो ये 20 लाख की जैसी रोड नहीं है। आप देख रहे हैं वहाँ से मसूरिया टोल प्लाजा से लेकर के यहाँ की
जो रोड है पूरा गढ़ा है। हम तो इतना ही मानते हैं कि जैसा भी मुझे पता चला है कि प्रतिवर्ष रोड सुधार के लिए पैसा आता था, लेकिन मुझे कोई काम आज तक दिखा नहीं। इन्होंने जायसवाल जी ने इतना भी किया है कि कम से कम रोड जहां बना रहे हैं बढ़िया बना रहे हैं, इसके पहले तो रोड बनती ही नहीं थी। रीवा जिला पुलिस के आए दिन नया कारनामा देखने का मिला था। ताजा मामला लौर थाना क्षेत्र से है, जहां जेल में बंद युवक के खिलाफ पुलिस चोरी के मामला दर्ज कर ली। असल में लौर पुलिस पंकज सिंह पिता वीर बहादुर सिंह जो उनके बिलहाई के रहने वाले आए हैं, उनका बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार करे रहे, जिनसे पूछताछ करे के बाद न्यायालय में पेश कर दिए रहे, जो उनके अब जेल महामा पर दूसरे चोरी के मामला में पुलिस गिरफ्तारी के बाद उनके उनका आरोपी बना दी। जोने के बाद परिजन मांग करी नहीं कि जोने समय उनका बेटा जेल में बंद रहा ओके एक दिन पहले वो कैसन के चोरी कर सका था। फिर भी पुलिस घर में मेरे जाके परेशान करती है, झूठे पंकज पटेल झूठे आरोप में बोलती है कि तुम्हारा लड़का चोरी करता है, तुम्हारा लड़का चोर है, तुम जमानत करा के मेरे हवाले कर दो। सर मैं अभी तक निकाल नहीं पाई हूँ, अभी मेरा लड़का आज तक जेल में है। फिर हम यह एसपी साहब के यहाँ हम शिकायत करने आई हूँ कि आप मेरा लड़का जेल में है, फिर भी पुलिस मेरे को ऐसे परेशान क्यों करती है। बुलेटिन की अगली खबर मऊगंज से है, जहां ट्रैक्टर के टाली में लोड मशीन में दबे से रत्नेश साकेत के मौत हो गई रही है, जो एक बार परिजन हत्या के आरोप लगाए रहे, पर पुलिस दुर्घटना मान के मार्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। वहीं गुरुवार का पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मृतक के साथी और समर्थक आरोप लगाए कि घटना दिनांक 2 जनवरी का ही लगभग 10 बजे आरोपी विवेक शर्मा युवक के घरे पहुंचे रहे, जहां धान के पैरा की कुटी करावे के लाने ट्रैक्टर व मजदूरी करवावे के लगे रहे। दिन भर काम करवाए के बाद जब सांझ को अपने पैसा के मांग करे तब पैसा दे के जगह गाली गलौज करे लगे और कहीं के चला घरे पैसा दे, और यही समय गलका पहाड़ अमझार नाला के नियरे पहुंच के रत्नेश का ट्रैक्टर से धक्का दे के नीचे गिरा दी। जब युवक साथी विरोध करें तब दोनों का लात भूसा से मारपीट करें और ट्रैक्टर के पीछे बांध के प्रताड़ित करें। लोग काम करने गए सुबह में, सुबह अपने किए, फिर शाम को आए तो पैसा मांगे तो वो गाली बक रहे थे, फिर बोले चलो आगे देते, फिर आगे लेते हैं तो हम लोगों को खड़ा करके मारने लगे। ट्रैक्टर से उसको ढोंस दिए हमारे भाई को रत्नेश साकेत को, तो फिर हमने हम रोने लगे, फिर कहे कुछ को बचाओ, फिर हमको बांध दिया गया, फिर मारने लगे दोनों। कौन मारपीट किया है? विवेक शर्मा। इसमें जो है तो मामले को घुमाया गया, उधर जो है तो आरोपी बड़े दबाव में, राजनीतिक दबाव में इस भाजपा सरकार में हमेशा जो है तो गरीबों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है, और उसी तरह मामले को दबाने के लिए गैर इजातन हत्या 304 के तहत मुकदमा दर्ज करा के मामले को दबाया गया, लेकिन असलियत में मामला हत्या का था, इनको मारा गया, ये घायल थे, तो कायदे से 302 और जो है तो 307 का मामला बनना चाहिए। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है, जहां युवक नफीस खान बताएं कि उनके साथ मारपीट करके कुछ बदमाश उनका पैसा छुड़ा लेन। युवक बताएं कि घोघर के रहने वाले हैं, आरोपी उनके साथ तब मारपीट करें जब वो अपन मोबाइल मांगे के लाने गए रहे, आरोपी उनके साथ लाठी डंडा से मारपीट करें, साथ है उनके लगे रखा 5,000 रुपये छुड़ा लेन। पीड़ित सिटी कोतवाली थाना प्रभारी से न्याय के गुहार लगाए, आई सुनाई थे पीड़ित का बताए रहे हैं। हम शिकायत करने आए थे सर, हमको बहुत पहले हमारा मोबाइल चोरी किया घर से सर, मैंने इन लोग से बोला मेरा मोबाइल दे दीजिए, फिर मेरे को गाली गुप्ता करने लगे, मारे डंडा निकाले, फिर उसके बाद चाकू धमकाने लगे, फिर घर तक दौड़ाए, फिर मैंने सिविल लाइन गया, डंडे ही डंडा मारे 2-3 जगह सर पे, यह सर सर ये पूरा चेहरे पे मारे, ये हाथ पे पारे, ये कंधे। कौन मारा? ये अयोग डिश वाला हो गया, आंसू अंडा हो गया मेन, आंसू अंडा अयोग डिश वाला सोनू और छोटू वहीं का उन्हीं का कर्मचारी है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव में गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व में मध्य प्रदेश शासन के आदेश और कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देश से जिला प्रशासन के तरफ से नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला और पुलिस प्रशासन के तरफ से TI समान सुनील गुप्ता, वरिष्ठ समाज सेवी और आपातकाल के समय में ही लोकतंत्र के हिफाजत में मीसा कानून के तहत 18 माह 6 दिन जेल में बंद रहे वाले बेमाफी के मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव का ही उर्राहट स्थित उनके घर कृष्णा सदन जाय के साल और श्रीफल से सम्मानित करें। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश शासन को और शासन के माध्यम से जो जिला प्रशासन ने अपने प्रतिनिधि को भेज के नायब तहसीलदार जनाब
यतीन शुक्ला जी को भेजा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से सम्मान टीआई सम्मानीय सुनील गुप्ता जी जो आए और आज हमारा सांसद फतेह जो सम्मान किया उसके प्रति उसके लिए मैं सबसे पहले तो सम्मानीय यतीन शुक्ला जी और टीआई साहब और सुनील गुप्ता जी को और इनके माध्यम से जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन और पूरे शासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी के सम्मान के लिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि शासन और प्रशासन या प्रशासन में बैठे लोगों ने ये माना कि जो लोग स्वतंत्रता के सेनानी हैं, आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी जवानी खपा दी, अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने जीवन को होम कर दिया। तो भैया बहनी आज के बुलेटिन में इतना ही। बघेली में खबर देखे के लाने देखत रही हमारे विंध के बघेली समाचार, साथ है चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करी। नमस्कार।